सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने सर्कल्स के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था सर्कल के हम एंगल रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और पेपर में इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं क्वेश्चंस यहां पे आपको कराऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। टोटल 45 क्वेश्चन है, उससे बाहर आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं आने वाला, कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनको प्रैक्टिस करिए, ध्यान से समझना हमारे साथ साथ। मेंस 2017 का सवाल है, बहुत इजी। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में ये जो ओ है ये तुम्हारे सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल क्यू ओ आर 50, ये एंगल आपका 50 डिग्री का दिया, दिस एंगल इज 50 डिग्री। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू की वैल्यू क्या है, आंसर 25 डिग्री। इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता, एकदम धब्बा सवाल है ये, ठीक है ना, समझते हैं आप। क्योंकि सर्कल के किसी आर्क आर क्यू द्वारा, आर्क आर क्यू की बात करो तो इस आर्क आर क्यू द्वारा सर्कल के सेंटर पे एंगल यदि 50 बन रहा है तो इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल 25 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इतना आसान सवाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो मींस के पेपर का, देर आर एट इक्विडिस्टेंट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इन सेम ऑर्डर ऑन ए सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ई डी एच, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि एक सर्कल है और सर्कल पे आठ इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, मतलब आठ पॉइंट है जो सेम दूरी पर है, जैसे ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया, क्लियर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंगल ई डी एच, एंगल ई डी एच मतलब आपसे आपको मिलाना है डी से एच को और ये ई को, तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल ई डी एच, ये वाला एंगल ई डी एच, ये वाला एंगल आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ई डी एच, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। बहुत आसान सवाल है, देखते ही कर सकते हो। आपको सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि जैसे सर्कल है, सर्कल पे हमने आठ इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिए और यहां पे जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन एच डी पर ही होना चाहिए, सर्कल का सेंटर डी एच लाइन का होगी व्यास, क्योंकि आठ इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तो आठ इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तीन पॉइंट सर्कल के ऊपर, तीन ही पॉइंट सर्कल के नीचे, तो एकदम सेम पिक्चर है, जो पिक्चर नीचे है वही सेम पिक्चर ऊपर है, तीन पॉइंट सर्कल के नीचे, तीन पॉइंट सर्कल के ऊपर, तो एच डी ये क्या होना चाहिए, सर्कल का डायमीटर होना चाहिए और वो सर्कल का सेंटर। अब यहां पे सर्कल का प्रत्येक ये एक छोटा सा आठ सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 45, ये भी कितना बनाएगा, 45, ये भी कितना बनाएगा, 45, क्यों, ओके, प्रत्येक गैप कितने का होगा, 360 बटे 8, 45 डिग्री का, कंप्लीट एंगल कितना है सर्कल के सेंटर पे, 360, यदि मैं 8 इस तरीके से इक्विडिस्टेंट पॉइंट लूंगा तो ईच गैप कितने का एंगल बनाएगा, 45, 45, 45, 45, 45, टोटल कितना हो जाएगा, 360, तो ईच गैप कितने का एंगल बनाएगा आपका, 45 डिग्री का, कितने का बनाएगा, 45 डिग्री का, क्लियर है। चलिए अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, यदि मैं सर्कल के सार की बात करता हूं, एक पॉइंट, दो गैप और तीन गैप, इस गैप द्वारा सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल 45 दिया, कितने का बनेगा, 135 डिग्री का एंगल होगा ये, कितने का होगा, 135 डिग्री का। अगर ये एंगल 135 डिग्री का है सर्कल के आर्क द्वारा, तो इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल, ये एंगल कितने का होगा, 67.5 डिग्री, ये एंगल कितने का होगा, 67.5 डिग्री का, दिस एंगल शुड बी 67.5 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट। आप देख सकते हो कि हर एक गैप यहां पे 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल तीन है, सेंटर पे कितना, 135, तो सर्कमफेरेंस पे हाफ, 67.5, बी ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से समझना। फाइंड एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू बताना है, ठीक। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सर्कल की रेडियस पे हमेशा गौर करना, रेडियस रेडियस जहां पे मिलेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल बनेगा। अगर हम ट्रायंगल ओपीआर, त्रिभुज ओपीआर, त्रिभुज ओपीआर को ध्यान से देखें, ओपी रेडियस, ओआर रेडियस, ये एंगल 10, ये एंगल 10, कितना होगा, 10 डिग्री, देखा। चलिए इसी तरीके से यदि हम ट्रायंगल आरओक्यू, त्रिभुज आरओक्यू, त्रिभुज आरओक्यू को देखो, ओक्यू रेडियस, ओआर रेडियस, ये 45, तो कंप्लीट एंगल 45, तो कितना बचा, छोटा, फिर 35, कितना बचा, 35 डिग्री का एंगल बचा, ये 10, तो ये कितना बचा आपका, 35, कितने का बचा, 35 डिग्री का एंगल, क्लियर, खत्म सवाल। सर्कल के इस आर्क पीक्यू द्वारा सर्कमफेरेंस पे ये एंगल कितना है, दिख रहा है, सर्कल के साथ द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना है, 35, तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पे ये डबल एंगल 70 डिग्री का बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल 35, तो सेंटर पे डबल 70 डिग्री का बनेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आसान सवाल है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन ए बी है ये आपकी सी डी के पैरेलल है, दोनों समांतर रेखा है, एंगल ए डी सी 25, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल 25 डिग्री का, दिस एंगल इज 25, ये एंगल 25 डिग्री का। फाइंड एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, इस एंगल की थीटा की वैल्यू आपसे पूछे कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अगर हम ट्रायंगल ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी, ओ ए डी को ध्यान से देखें, ये त्रिभुज दिख रहा है, ओ ए डी, OA भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, ये 25, तो ये छोटू एंगल, ये भी कितना होगा, 25 डिग्री का होगा, 25 डिग्री का होगा, कोई डाउट किसी को। नाउ लाइन AB लाइन CD के पैरेलल है, अगर ये एंगल 25, तो अल्टरनेट ये एंगल भी कितने का होगा, 25 का होगा, कितने का होगा, 25 डिग्री का होगा, तो कंप्लीट एंगल 25 प्लस 25 कितने का होगा, 50 डिग्री का, कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 50। ट्रायंगल OAB को देखो, रेडियस को नहीं भूलना चाहिए, रेडियस रेडियस आइसोसेलस, एंगल OAB ये 50, तो ये भी 50, OAB रेडियस, OB भी रेडियस, 50 50 100, तो ये एंगल कितना बचा, 80 डिग्री का, कितने का बचा, 80 डिग्री का। सर्कल के इस आर्क AB द्वारा सेंटर पे 80, तो सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री, डी ऑप्शन, कितने का होगा, 40 डिग्री का, क्लियर, कोई डाउट इसमें, बहुत आसान इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 को समझना है. इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में O क्या है सर्कल का सेंटर. सर्कल हैज 3 टेंजेंट, सर्कल की 3 स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं आपको इस तरीके से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QOR, एंगल QOR की वैल्यू 90-32 58 डिग्री, आंसर बी ऑप्शन. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया था, ये थ्योरम समझाई थी कि अगर सर्कल के बाहर से कोई दो टेंजेंट खींचे जाए तो यदि आप इस तरीके से मिलाओगे तो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. ये 90, ये 90, ये 64, तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बचेगा, 64, 180 माने 64, 116 डिग्री का. कितने का आएगा ये एंगल कंप्लीट, 116. एंगल QOR जो होगा, एंगल QOR जो होगा 116 डिग्री का हाफ, यानी कि 58 डिग्री हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल. एंगल QOR जो हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, कंप्लीट 116 डिग्री यहां से यहां पे 58. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट P. If angle AOC बराबर 40 and angle BOD बराबर 30, find angle BPD. BPD पूछा है, देखते हैं आंसर 35. कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक, आंसर तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, पर आप सॉल्व करके करोगे, फिर मैं डायरेक्ट लिखने का मेथड भी समझाऊंगा. एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, और सर्कल की दो कॉर्ड है AB और CD, एक दूसरे को पॉइंट P पे काटती है, और एंगल AOC 40 डिग्री बोला है, तो कैसे बनेगा डायग्राम. डायग्राम बनाना भी काट है. ऐसे मान लिया, सपोज हमने ये हो गया सर्कल की दो कॉर्ड AB और CD, और ये हो गया सर्कल का सेंटर O. थोड़ा नीचे ये बनाते हैं सर्कल का सेंटर O. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल AOC 40, तो हमने A से O को मिलाया, O से C को मिलाया, तो ये एंगल जो है ये एंगल 40 डिग्री का है. ठीक है, दिस एंगल इज 40. एंगल BOD 30, आपने O से D को मिलाया, आपने O से B को मिलाया, ये एंगल 30 डिग्री का है. दोनों कॉर्ड जिसको बिंदु P पे काट रही है. आपसे पूछा एंगल BPD, एंगल BPD, आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल BPD ये एंगल कितना होगा. क्लियर, बहुत आसान सवाल है. सपोज थोड़ी देर के लिए यदि मैं कॉर्ड किसको मिला दूं, सी से बी को मिला दूं, मैंने थोड़ी देर के लिए कॉर्ड को मिला दिया, सी से बी को मिला दिया. अब देखिए सर्कल के आर्क AC द्वारा सेंटर पे एंगल 40, तो सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री. हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा. इसी तरीके से सर्कल के आर्क BD द्वारा सेंटर पे एंगल 30, तो सर्कल के साथ BD द्वारा देखिए ये रहा सर्कमफेरेंस पे एंगल, एंगल BCD, ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री. 30 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री. क्लियर, कोई डाउट. अगर ये बी से ये 15 है, ट्रायंगल BPC, त्रिभुज BPC को ध्यान से देखिए, 15-20 तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 35, 15+20 कितना है 35 डिग्री, ए ऑप्शन. और एक्चुअली में 35 डिग्री है क्या, एक्चुअली में 35 डिग्री जो है वो आपके 40+30 का हाफ ही तो है, इनका एवरेज ही तो 40+30 का एवरेज. क्लियर है, 40+30 डिग्री का एवरेज ही तो 40+30 बटा दो. तो रिजल्ट याद रखेंगे, जब भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे, जब भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन कॉर्ड्स द्वारा जो सेंट्रल एंगल बनते हैं, उन दोनों कॉर्ड्स द्वारा जो सेंट्रल एंगल बनते हैं उनका हाफ एंगल होता है, ये आपका एंगल APC की बात करो या एंगल BPD की बात करो. उन्हीं कॉर्ड, ये जो AC और ये जो BD आर्क है, जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे तो आर्क AC आर्क BD द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे, उन्हीं आर्क द्वारा जो आपस में ये जो एंगल बनते हैं ना, ये जो एंगल बनते हैं, ये हमेशा हाफ होंगे आपका उनका सम, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD का क्या होगा, ये हाफ होगा. क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ये बात आपको पता होनी चाहिए. सर्कल के जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे तो दो आर्क होंगे, दो आर्क द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनते हैं उनका हाफ एंगल होगा, उसी आर्क द्वारा जो आपस में दूसरे के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है 35-35. पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंगल भी बनता है एक, लेकिन इस एंगल की वैल्यू 35 डिग्री नहीं होगी, तो 180-35 कितने का हो जाएगा, 145 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल 145 डिग्री का हो जाएगा. तो ये उस आर्क और इस वाले आर्क, आर्क AC आर्क BD के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है ये होता है आपका 35 डिग्री. क्लियर, कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. तो फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं, ये बन गया सर्कल. सर्कल की दो कॉर्ड है AB CD, एक दूसरे को O पे काटती है, इस तरीके से कि एंगल AOD 100 डिग्री. इस बार एंगल AOD 100 दिया है, तो इस तरीके से कुछ रहा होगा, इस तरीके से कुछ रहा होगा कि ये है तुम्हारा कॉर्ड AB और ये है तुम्हारी कॉर्ड CD और ये सर्कल का सेंटर है इस तरीके से O. ध्यान से समझना, और यहां पे ये जो बन रहा है आपका एंगल AOD, एंगल AOD, ये देखिए ये एंगल बन रहा है आपका 100 डिग्री का दिख रहा है, दिस एंगल इज 100 डिग्री. एंगल BOC 70, तो ये है तुम्हारा C से O को मिला, O से B को मिला, दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस एंगल इज 70 डिग्री. आपसे पूछा गया दोनों कॉर्ड को कहां पे काट रही है, पॉइंट P पे काट रही है, पॉइंट P पे. आपसे पूछा है एंगल APC, एंगल APC का मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल वैसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितना आंसर होगा इसका, 95 डिग्री. आप देखना ध्यान से कैसे हुआ, मैंने क्या बोला कि जब भी दो सर्कल के अंदर कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो दो आर्क बनेंगे, ये रहा आर्क AD, आर्क AD द्वारा सेंटर पे एंगल 100, ये रहा आर्क BC,
आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे एंगल 70 और इन्हीं दोनों आर्क के इंटरसेक्शन से ये जो एंगल बनेगा आर्क एडी द्वारा सेंटर पे 70 आर्क एडी द्वारा सेंटर पे 100 आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे 70 और इन्हीं दोनों आर्क के इंटरसेक्शन से ये जो एंगल बनेगा ये हाफ एंगल 100 प्लस 70 बटा 2 कितना हो जाएगा 85। अगर ये 85 तो एंगल एपीसी कितना बचा, एंगल एपीसी हो जाएगा 100 180 - 85 यानी कि 95 डिग्री, क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ये 85 तो कितना है 95। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं याद रख सकते तो कुछ भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यदि यहां से मिला देंगे इस तरीके से एसीसी को मिला दीजिए, एसीसी को मिला दीजिए तो सर्कल के आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे 70 तो यहां पे सर्कमफेरेंस पे ये कितना हो जाएगा 35। ठीक, तो सर्कल के आर्क कौन से आर्क, सर्कल के आर्क एडी द्वारा सेंटर पे 100 तो सर्कमफेरेंस पे ये पूरा कंप्लीट एंगल एंगल एसीडी उसी आर्क द्वारा एसीडी ये एंगल कितना हो जाएगा 50, ये 50 है ये 35 से 85 तो ये एंगल एपीसी कितना हो जाएगा 95, यहां से भी 95 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? बट आपको ये थ्योरम हमेशा याद रखनी है कि जैसे कोई सर्कल है, जैसे कोई एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल और मैंने सर्कल की दो कॉर्ड खींची इस तरीके से, सर्कल के मैंने दो कॉर्ड खींची, ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया आपका ए बी सी डी दो कॉर्ड और एक दूसरे को काट रही है बिंदु पी पे काट रही है, ठीक है ना। चलिए, और ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ, ठीक। तो यहां पे दो ही केस बनेंगे, ये जो तुम्हारा एंगल एओडी हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका एंगल बीओसी। तो सबसे पहले देखो ये दोनों एंगल किस आर्क द्वारा बने, एक तो बने आर्क एसी द्वारा और एक बन रहा है ये आर्क बीडी द्वारा। ये एंगल यदि एक्स डिग्री का है, ये एंगल यदि वाई डिग्री का है, तो दोनों आर्क एसी और बीडी दोनों आर्क के इंटरसेक्शन से ये तुम्हारा दिख रहा है ना, दोनों आर्क इंटरसेक्शन से ये जो तुम्हारा एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल एपीसी की बात करो चाहे एंगल बीपीडी की बात करो, दोनों एंगल जो बनेगा चाहे एंगल एपीसी की बात करो चाहे एंगल बीपीडी की बात करो, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे एक्स प्लस वाई बाई टू, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू। ये बात है, सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी बात को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे सपोज यहां पे आपका एक सर्कल है और सर्कल की मैंने ये दो कॉर्ड खींची हैं इस तरीके से, ये दो कॉर्ड होंगी ए बी और सी डी और ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, ये एंगल ए ओ डी ये है आपका इस तरीके से, ठीक है, और हमने ये एंगल बन रहा है आपका एंगल बी ओ सी, ये है आपका इस तरीके से, ये एंगल आपका एक्स डिग्री का है, ये एंगल आपका वाई डिग्री का है। नाउ फोकस करना, सर्कल के आर्क ए डी द्वारा सेंटर पे एक्स, सर्कल के आर्क बी सी द्वारा सेंटर पे एंगल वाई, तो दोनों ये जो आर्क हैं एक दूसरे के इंटरसेक्शन पे ये जो एंगल बनाएंगे ना भाई, ये जो एंगल बनाएंगे एंगल बीपीसी चाहे ये एंगल जो बनाएंगे, ये एंगल हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बाई टू। अब समझ में आया कहानी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मींस 2017 के पेपर का पूछा हुआ और बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना। एंगल एओबी 68 आपसे एंगल एओबी ये एंगल 68 डिग्री का दिया है, AOB 68 डिग्री का दिया आपसे, पूछा एंगल AXP, एंगल AXP ये एंगल आपसे पूछा है, ये POQ है क्या, ये है क्या सेमी सर्कल, एंगल AXP ये एंगल आपसे पूछा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना, जब भी आप सेमी सर्कल देखो और एंगल की बात चल रही हो तो इस प्रॉपर्टी का यूज हमेशा होगा कि सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है, और नहीं दिख रहा है तो पहले बनाओ 90 डिग्री। यदि मैं ए से पी को मिलाऊं, यदि मैंने ए से पी को मिलाऊं, ये मिला दिया मैंने ए से पी को, तो पी क्यू क्या है सेमी सर्कल का डायमीटर, ये एंगल सेमी सर्कल में बना है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, कितने का होगा 90 डिग्री का, कंप्लीट 90। यदि मैं सर्कल के आर्क ए बी की बात करूं तो सर्कल किस आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे 68 तो इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे ये हाफ एंगल कितने का हो जाएगा 34 डिग्री का, कितने का हो जाएगा 34 डिग्री का, हाफ ये कितने का हो जाएगा 34 डिग्री का, ये 90 ये 34 तो ये एंगल एक्स पी भाई कितना बचा 56 डिग्री का बचा, कितने का 56 डिग्री का, सी ऑप्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एंगल ए एक्स पी कितना बचा 56 डिग्री, कोई डाउट इसमें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, एंगल एएक्सपी कितना जाएगा 56 डिग्री। ठीक, चलिए बस सवाल खत्म, इतनी देर का क्वेश्चन था। दूसरी बात देखते हैं कि अगर सपोज क्वेश्चन ये बनता कि ये एंगल आपको दे देता सपोज 128 डिग्री 128 डिग्री एंगल एक्स को दे देता आपसे 128 डिग्री और आपसे पूछता कि बताओ ये एंगल ए ओ क्यू ये जो है ये कितने का है, ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का है, ये पूछता आपसे, फिर तब कैसे करते, एंगल ए ओ बी ये कितने का, एंगल ए ओ बी कितने का, ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल 128 डिग्री का है तो फिर ये एंगल कितने का होगा आपका 52 का, कितने का हो जाएगा 52 का, अगर ये एंगल 52 डिग्री का, हमेशा मैंने बोला सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री, तो यहां मिलाओगे ये एंगल कितने का 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90, ये 52 है तो फिर ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका भाई 38 डिग्री का, कितने का हो जाएगा 38, ठीक है ना, 90 है ये 180 सम हो गया। अगर सर्कल के आर्क ए बी द्वारा यहां पे सर्कमफेरेंस पे 38 है तो सेंटर पे डबल कितने का हो जाएगा 676 डिग्री का, ये कितने का एंगल होगा एंगल एओबी, ये कितने का हो जाएगा 76 डिग्री, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एंगल एसीबी 100 डिग्री, एंगल एसीबी की वैल्यू 100 डिग्री बोली है, ए एंड बी आर सेंटर ऑफ सर्कल, देन फाइंड एंगल डीसीई, आपसे एंगल ये जो बन रहा है डीसीई ये पूछा है। अच्छा, दो सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी दोनों सर्कल के सेंटर है, एंगल एसीबी 100 है, आपसे एंगल डीसीई इस एंगल के बारे में पूछा है कि ये एंगल डीसीई कितने डिग्री का है। बहुत आसान,
अगर ध्यान से देखो छोटे वाले सर्कल की बात करो, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है ए, तो एसी रेडियस और एई रेडियस दिखा, एसी रेडियस और एई रेडियस, एसी भी इसकी रेडियस है, ये एसी भी और ए भी इसकी रेडियस है। यदि मैं सी से ई को मिलाऊं तो ये एंगल भी कितना आएगा भाई थीटा, और ये एंगल भी कितना आएगा थीटा, दोनों एंगल थीटा थीटा डिग्री के होंगे, थीटा थीटा डिग्री के होंगे। क्लियर, कोई समस्या इसमें? ठीक, चलिए नाउ ये हमने इस तरीके से मिलाया है। ठीक, उसके बाद अगर हम यहां पे ये देखें बड़े वाले सर्कल देखें, तो बीसी बड़े वाले सर्कल की रेडियस और बीडी भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस, भाई सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी तो रेडियस होती है। यदि मैं सी से डी को मिलाऊं, यदि मैं सी से डी को मिलाऊं तो ये भी रेडियस बड़े वाले की, ये भी रेडियस बड़े वाले की। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं सी से डी को मिलाऊं तो ये एंगल भी अल्फा और ये एंगल भी अल्फा, और यदि मैं इस तरीके से मिलाऊं तो ये कंप्लीट एंगल, ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझना। तो बीच में ये वाला जो एंगल है एंगल डी, देखो ये यहां से यहां तक ये कितना है पूरा थीटा, ये कितना है पूरा थीटा, यहां से यहां तक ये पूरा कंप्लीट कितना है अल्फा। क्लियर है, पूरा कितना अल्फा। थोड़ी देर के लिए मैं एंगल डी सी ई को क्या मान लिया, मैंने एक्स डिग्री मान लिया, एंगल डी सी ई को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, मैंने एक्स डिग्री मान लिया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये एंगल है थीटा, एंगल ए सी थीटा, एंगल थोड़ी भसड़ मच गई, एंगल ए सी थीटा, और ये जो है आपका एंगल डी सी बी, ये एंगल है आपका अल्फा। तो यदि मैं थीटा और अल्फा को जोड़ू, यदि मैं थीटा और अल्फा को जोड़ू, तो यहां पर अगर थीटा अल्फा को जोड़ू तो ये जो बीच वाला एंगल एंगल डीसी, ये दो बार इंक्लूड हो गया, ये दो बार इंक्लूड हो गया, थीटा में भी आ गया है और अल्फा में भी दो बार इंक्लूड हो गया। यदि मैं इसमें से ये एंगल घटा दूं एक्स डिग्री, तो ये जो आपका एंगल एसीबी है, क्या एंगल एसीबी के बराबर नहीं है? क्या ये चीज एंगल एसीबी के बराबर नहीं है? ध्यान से समझना भाई, ये एंगल भी आपका थीटा और ये एंगल भी पूरा थीटा, ये एंगल भी अल्फा और ये पूरा एंगल भी यहां से यहां तक अल्फा। तो आप यदि ध्यान से देखो तो थीटा अल्फा को जोड़ा तो बीच वाला एंगल दो बार इंक्लूड हो गया, मैंने वो घटा दिया तो एंगल एसीबी बचा, और एंगल एसीबी कितना दिया क्वेश्चन में आपको 100, ये एंगल 100 डिग्री दिया, तो ये कितना आ गया आपका 100। नाउ अगर आप ट्राइंगल डीसीई, त्रिभुज डीसीई को ध्यान से देखो, त्रिभुज डीसीई को, ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, ये एक्स, सो थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री माइनस एक्स नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल 180 डिग्री, 180 माइनस एक्स, माइनस एक्स बराबर 100, तो 80 बराबर आ जाएगा आपका 2x डिग्री, और एक्स बराबर आ जाएगा 80/2 यानी कि 40 डिग्री। एंगल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 40 डिग्री, ए ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ सर्कल, AC डायमीटर है, BD डायमीटर है, दोनों डायमीटर एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, सेंटर O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ACB 43 डिग्री, ये एंगल ACB आपको दिया है 43 डिग्री का, दिस एंगल इज 43 डिग्री। एंगल ABD, एंगल ABD आपसे इस एंगल के बारे में पूछा कि एंगल कितने डिग्री का होगा। यदि हम सर्कल के आर्क AB की बात करें तो इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे 43, तो ये एंगल भी कितने का होगा 43 डिग्री का। अगर ये 43 डिग्री है, BD डायमीटर है, तो ये एंगल फिर कितने का है 90 डिग्री का है कि नहीं, सेमी सर्कल में बना कोण 90 है, ये 90 है, ये 43, तो ये एंगल फिर कितना है 47, 47 कितना 47 डिग्री, बी ऑप्शन। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्षेत्रफल 90 43, तो कितना हो गया 47, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यस क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सवाल कैट के पेपर का पूछा हुआ है, ध्यान से समझना। इफ ED इज पैरेलल टू AC, AC देखो AC सर्कल के सेंटर O से पास कर रहा है और ये तुम्हारा डायमीटर है, ये जो कॉर्ड है AD उसके समांतर दिया है, एंगल DEC की वैल्यू आपसे पूछी है, एंगल DEC इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, CBE, CBE ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका 65 डिग्री का, ये आपको गिवन है, दिस एंगल इज 65 डिग्री, ये एंगल आपको गिवन है CBE। बहुत आसान सवाल, अगर मैं A से E को मिला दूं, ऐसा क्यों किया वो भी हम आपको समझेंगे, यदि हम A से E को मिला दें, ठीक, तो सर्कल के आर्क ED द्वारा, सर्कल के आर्क EDC द्वारा, ये दिख रहा है ना सर्कल का आर्क EDC, इस आर्क द्वारा यहां से यहां तक जो आर्क फैला हुआ है, ये फैल के EDC, इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल 65, तो ये एंगल भी तो सर्कमफेरेंस पे है, ये भी तो 65 होना चाहिए, यार दिस एंगल शुड बी 65। अगर ये एंगल 65 है, AC डायमीटर है, तो सही सर्कल में बना कोण ये एंगल 90, अगर ये एंगल 90 है 65, तो ट्राइंगल AEC का थर्ड एंगल कितना बचा 25 डिग्री, थर्ड एंगल कितना बचा 25 डिग्री, बात खत्म। लाइन AC और लाइन ED पैरेलल है, ये 25 डिग्री, तो ये एंगल भी कितने का आ गया 25 डिग्री, अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इज 25, दिस एंगल इज 25, अल्टरनेट एंगल, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, क्लियर, आसान है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को समझना है ध्यान से। इन द गिवन फिगर टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी, ठीक है, आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दूसरे को पॉइंट बी और पॉइंट सी पे काटते हैं, थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू, बी से दो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं, तो एबीडी और ये पीबीक्यू, ठीक है, इंटरसेक्ट दी सर्कल ए एंड डी, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, एंगल एसीपी, एंगल एसीपी यानी कि इस एंगल की वैल्यू दी है 50, ये एंगल कितना दिया आपको 50, ठीक है, आपसे पूछा है एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझना, मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, अब समझना ध्यान से, दिख रहा है सबको, ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पे, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया कि एंगल ये जो ACP है, ये एंगल दिया आपको छोटू, ये एंगल दिया एंगल ACP, ये 50 डिग्री का गिवन है, दिस एंगल इज 50 डिग्री, आपसे पूछा है कि एंगल ये जो है QCD, ये एंगल कितना है, दिस एंगल कितना है, बहुत आसान, ये भी 50 डिग्री आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर,
सभी को पता है कि सर्कल के आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस बने कोण बराबर होते हैं सेम आर्क द्वारा। सर्कल के आर्क जो बड़ा सर्कल है, बड़ा जो सर्कल है, बड़े सर्कल के यदि आर्क एपी की बात करो तो इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे 50, तो इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल एबीपी, ये एंगल भी तो 50 डिग्री होना चाहिए, ये भी तो 50 डिग्री होगा। सर्कल के आर्क एपी द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल एसीपी 50, तो एबीपी भी 50। नाउ क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पीबीक्यू और एबीडी एक क्या स्ट्रेट लाइन है, ऐसे सीधी रेखा है और एक ट्रांसवर्स लाइन इस तरीके से ना, तो ये 50 डिग्री, तो ये एंगल भी 50 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है ये 50, तो ये भी 50। एंगल डीपीक्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। नाउ यदि हम सर्कल के आर्क डीक्यू की बात करें, छोटे वाले सर्कल के आर्क डीक्यू की बात करें, तो आर्क डीक्यू द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल डीबीक्यू 50, तो आर्क डीक्यू द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल डीसीक्यू, ये एंगल भी कितना आएगा 50 डिग्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे ध्यान से। देखिए, एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ये सर्कल का सेंटर है ओ, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो एओ क्या हो गया रेडियस, एओ क्या हो गया आपका रेडियस, और एओ बराबर किसके बोला है बीसी के, एओ बराबर बोला है बीसी के, और एंगल एसीडी यानी कि इस छोटू एंगल एसीडी की जो वैल्यू है ये कितनी दी आपको 15 डिग्री, कितनी दी है 15। आपसे एंगल एपीडी इस एंगल की वैल्यू पूछिए, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछिए, बहुत बढ़िया लॉजिकल सवाल है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए अगर मैं उसे बी को मिलाऊं, तो यदि AO रेडियस है तो OB भी तो रेडियस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी रेडियस होती है। अगर आप ट्रायंगल OBC को ध्यान से देखें, जो लेंथ AO की वही लेंथ OB की वही लेंथ BC की, अगर ये एंगल 15 डिग्री का है भाई, तो ये एंगल भी कितने का होगा 15 डिग्री का होगा, दिस एंगल विल बी 15 डिग्री। अगर ये 15 है, ये 15 है, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितने का होगा 30 डिग्री का, कितने का होगा 30। ट्रायंगल OBC का एक्सटीरियर एंगल कितने का 30, ट्रायंगल AOB त्रिभुज AOB देखिए 30, तो ये एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का, कितने का होगा 30 डिग्री का, कितने का होगा 30 डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल सॉरी ट्रायंगल AOB आइसोसेलस ट्रायंगल बनेगा ना 30 30 30 30, AOB रेडियस OB भी रेडियस। नाउ हमसे पूछा है एंगल APD, ध्यान से समझना, अगर ट्रायंगल AOC त्रिभुज AOC देखिए, ये एंगल 15 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितने का हो जाएगा 15 प्लस 30 45 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का, ये 15 30 एक्सटीरियर एंगल कितने का 45 डिग्री का। क्वेश्चन खत्म, आंसर 22.5। सर्कल के आर्क AD द्वारा सेंटर पे एंगल 45, तो सर्कल के इसी आर्क AD द्वारा सर्कमफेरेंस पे 45 का हाफ कितना 22.5 डिग्री का एंगल होगा, आंसर कितना 22.5 डिग्री। बहुत आसान और लॉजिकल क्वेश्चन है, सर्कल से मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि आते ही नहीं है और ना ही आएंगे, मैं लॉजिकल छोटे छोटे सवाल कराऊंगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, एंगल AOD 50, एंगल BOC 30, फाइंड थीटा, आंसर कितना आ गया 10 डिग्री। खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कैसे ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको एक थ्योरी बताई थी कि जैसे कोई सर्कल है और सर्कल की मैं दो कॉर्ड खींचता हूं, यदि सर्कल के अंदर, जैसे मैंने सर्कल की दो कॉर्ड खींची AB और CD, सर्कल के अंदर जो एक दूसरे को पॉइंट P पे काटती है, एक दूसरे को कहां पे काटती है पॉइंट P पे काटती है, और यह सर्कल का सेंटर O, तो यहां पे यदि तुम्हारा एंगल AOC ये तुम्हारा x डिग्री का है, एंगल BOD ये आपका यदि y डिग्री का है, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे x, इस आर्क द्वारा सेंटर पे y, तो दोनों आर्क के इंटरसेक्शन से ये जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा, दोनों सेम आर्क के इंटरसेक्शन से x प्लस y बाई 2 एवरेज होगा, ये मैंने अभी आपको बताया, सिंपल सी बात थी। लेकिन ध्यान से समझना, सपोज आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पे दो कॉर्ड क्या है बाहर जाके मिलती है, जैसे यहां पे सर्कल का मैं ये सेंटर हो गया O, सर्कल का सेंटर हो गया O, और मैंने इस तरीके से बना दिया यहां पे, एक सेकंड, ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर O, और यहां पे ये हो गया आपके सर्कल का सेंटर, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, हमने A से C को मिलाया है और हमने B से D को मिलाया है, और जाके एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं यहां पे, इस तरीके से काट रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या है कि सर्कल के आर्क AB द्वारा यदि सेंटर पे एंगल x डिग्री और सर्कल के उसी आर्क सर्कल के दूसरे आर्क CD द्वारा सेंटर पे एंगल y डिग्री, तो आर्क AB और आर्क CD के इंटरसेक्शन से यदि सर्कल के बाहर कौन सा एंगल बनता है, ये थीटा और ये भी थीटा इक्वल इक्वल बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी इनका डिफरेंस का हाफ होगी, यानी कि एंगल बाहर बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी x माइनस y बाई 2 इनके डिफरेंस का हाफ होगी, अगर ये एंगल x एंगल y तो बाहर एंगल बनेगा तो डिफरेंस का हाफ दोनों सेम आर्क द्वारा और अंदर बनेगा तो उनके सम का हाफ, ये आया कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। यदि हम थोड़ी देर के लिए ए से डी पॉइंट को मिला दें, ए से डी पॉइंट को मिला दें, मिला सकते हैं, तो सर्कल के आर्क AB द्वारा सेंटर पे x, तो सर्कल के आर्क AB द्वारा सर्कमफेरेंस पे ये एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट x बाई 2, सर्कल के आर्क CD द्वारा सेंटर पे y, तो सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना हो जाएगा, ये y बाई 2। अगर हम ट्रायंगल ADM, यदि हम ट्रायंगल ADM त्रिभुज ADM को ध्यान से देखें, ये एंगल y बाई 2, ये x बाई 2, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए x बाई 2 माइनस y बाई 2, ये होनी चाहिए कि नहीं भाई, जो आपका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी x बाई 2 की अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी कि नहीं, यहां से थीटा कितना है x बाई 2 माइनस y बाई 2, यानी कि x माइनस y बाई 2।
ये हो जाएगा आपका थीटा। ये थ्योरम है जो आपको याद रखनी है और बहुत ही आसान है, ठीक। सेम टू सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये एंगल देखिए आर्क एडी द्वारा, ये एंगल देखिए सेंटर पे कितना है 50, आर्क बीसी द्वारा ये एंगल कितना है 30, और दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पे पी जो कि बाहर हो रहा है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा कितना होगा 50 माइनस 30 बटा 2 यानी कि 20 बटा 2 यानी कि 10 डिग्री। आंसर कितना आएगा 10। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कतई आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपको यहां पे एंगल एओबी की वैल्यू दी है 170 डिग्री, तो ये एंगल है 170 डिग्री, ओ सर्कल का सेंटर है। फाइंड एंगल बीसीडी, आपसे एंगल बीसीडी इस एंगल की वैल्यू पूछी है। अगर ये एंगल 170 है तो ये एंगल कितना होगा भाई 85। सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे 170 तो सर्कमफेरेंस पे हाफ 85। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एसीबीपी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है, यानी कि ये एंगल बीसीडी कितना जाएगा 85। बात खत्म, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत सरल सवाल, मेंस 2017 के पेपर में पूछा गया डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक, ठीक है। चलिए डिफिकल्टी लेवल आप देख के पता लगा सकते हो कितना है। इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर, दिए गए चित्र में PQ क्या है, डायमीटर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा व्यास, सेंटर कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। RSP 105, तो एंगल RSP ये जो एंगल है ये एंगल 105 डिग्री का गिवन है, 105, कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछा एंगल QPR, ये एंगल आपसे पूछा है, खत्म सवाल, कुछ भी नहीं। PQRS है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर 105 तो ये एंगल कितने का हो जाएगा भाई 75 डिग्री का, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PQ डायमीटर है, PQ डायमीटर यानी कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बना कोण ये एंगल 90 का होना चाहिए। ये 90 75, तो ये एंगल कितने का बचा 15 डिग्री। आंसर ट्रायंगल PQR के तीन एंगल का सम 180 करेंगे, 75 ये 90, तो ऑटोमेटिकली ये 15 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मींस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है, सेम टू सेम सवाल कैट के पेपर में भी पूछा गया था। मैं हमेशा कहता हूं कि कैट के पेपर के प्रीवियस ईयर जरूर लगाया करो, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। वैसे मैंने जितने भी आपको टॉपिक कराए सब में कराया प्रीवियस ईयर अच्छे एग्जाम्स का। इन द गिवन फिगर पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में पी जो है सर्कल का सेंटर है। इफ क्यू एस बराबर पी आर, साइड क्यू एस की वैल्यू पी आर के इक्वल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल आर एस पी टू आर एस पी, एंगल आर एस पी का किससे, एंगल TPR से क्या रेशियो है, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल, QS को RP के बराबर बोला है, QS को PR के बराबर बोला है, PR क्या है सर्कल की रेडियस, तो PQ क्या, ये भी तो सर्कल की रेडियस है, तो यानी कि QS की वैल्यू किसके बराबर है, PQ के बराबर। ट्रायंगल PQS क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये एंगल थीटा है भाई तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, होगा कि नहीं। अगर ये थीटा, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा भाई, 2 थीटा होगा। ट्रायंगल SQP का एक्सटीरियर 2 थीटा, ट्रायंगल PQR को देखिए, PQ भी रेडियस, PR भी रेडियस, ये 2 थीटा, तो ये एंगल भी तो 2 थीटा होगा भाई, 2 थीटा। क्लियर है। ट्रायंगल PSR, त्रिभुज PSR को ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल 2 थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया, 3 थीटा का हो गया, खत्म सवाल। ट्रायंगल RSP के बारे में, ट्रायंगल RSP कितना थीटा डिग्री, ट्रायंगल TPR कितना 3 थीटा डिग्री, आंसर कितना आ गया 1/3, आंसर कितना आ गया 1/3, सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर इफ एंगल डीबीसी 30, एंगल डीबीसी इस एंगल की वैल्यू कितनी बताई है आपको, 30 डिग्री, छोटू 30 बताया। एंगल एडीसी 95, ये मोटू 95 बताया है। पूछा है एंगल एसीडी, एंगल एसीडी यानी कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, आंसर देखते ही पता लगा सकते हो कितना, 55। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझना कैसे। अगर ये एंगल 95 डिग्री का है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का होना चाहिए, 85 कंप्लीट एंगल। ये एंगल बी कितने का होना चाहिए, 85, क्योंकि 95 प्लस 85 सम 180 होगा। अगर 85 है पूरा कंप्लीट, 30 है, तो फिर छोटू कितना बचा, ये छोटू कितना बचा, नीचे वाला छोटू बचा कितना, 55 डिग्री का, कितने का बचा, 55 डिग्री का। सर्कल के आर्क एडी द्वारा सर्कमफेरेंस पे 55, तो सर्कमफेरेंस पे ये एंगल भी 55, बी आंसर। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। एबीसीडी जिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ एंगल ए 65, एंगल बी 85, एडी एंड बीसी एक्सटेंडेड एट पॉइंट पी, एंड एबी कॉमा डीसी आल्सो एक्सटेंडेड मीट एट पॉइंट क्यू, फाइंड एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक। चल इसका डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट है, साल को कोने में कर देते हैं, एबीसीडी छोटू कर देते हैं, ठीक है ना। एबीसीडी क्या बनाते हैं हम, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गया आपका एक सर्कल, इस सर्कल के अंदर बनाना है आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक साइक्लिक, नहीं बन पाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया आपका एक सर्कल। इसमें साइड किसको आगे बढ़ा रहे हैं हम, एडी एंड बीसी को, तो बढ़ाने लायक बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका एडी और ये हो जाएगा आपका बीसी, वेरी गुड। A B C D, this is a cyclic quadrilateral, beautiful। चलिए उसमें क्या बोला, एंगल A की वैल्यू 65, so this छोटू एंगल is 65 डिग्री। एंगल B is 85 डिग्री, तो this मोटू is 85। साइड AD और BC को आगे बढ़ाया जाया पॉइंट P तक, तो साइड AD यानी कि ACD और साइड BC को आगे बढ़ाया, इस तरीके से दोनों मिलते हैं सपोज यहां पे जाके पॉइंट P पे, ठीक है। चलिए उसने क्या किया, साइड AB और साइड DC को आगे बढ़ाया पॉइंट Q तक, यदि साइड DC को बढ़ाया है और ये साइड AB को बढ़ाया, इस तरीके से सपोज यहां पे जाके मिल रहे हैं पॉइंट Q पे,
कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से मिल रहा है पॉइंट क्यू पे, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा है कि एंगल पी और एंगल क्यू इन दोनों का सम क्या है, एंगल पी और एंगल क्यू इनका सम क्या है, क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। देखिए, अगर ये एंगल 65 है और ये 85 है, ट्रायंगल एबीपी को ध्यान से देखिए, 8 और 6 150, तो ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का, भाई इनका सम कितना है 150, तो कितने का होगा 30 डिग्री का, ये 65 ये 85, तो ये एंगल कितने का है भाई, ये एंगल तो 95 डिग्री का हो गया ना, आमने सामने के कोण का एफएल 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल एक्यूडी, त्रिभुज एक्यूडी को ध्यान से देखिए, 65 95, 9 और 6 15 प्लस 10 160, और 160 तो ये एंगल कितने का होना चाहिए, 20, त्रिभुज के तीनों कोणों का एफएल 180, एक्यूडी 65 95 20, एंगल पी प्लस एंगल क्यू 30 प्लस 20 50 डिग्री, आंसर क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज क्लासिकल क्वेश्चन, आसान सवाल है। एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड द साइड एबी इज एक्सटेंडेड टू ई सच दैट बीई बराबर बीसी, ठीक है। आपके पास है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से सर्कल है, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया हमारा ए बी सी और ये डी, ठीक। क्वेश्चन में ये बोला गया है साइड ए बी एक्सटेंडेड टू ई, साइड ए बी को आगे बढ़ाया जाता है ई पॉइंट तक, सच दैट बी ई बराबर बी सी की, बी ई की लंबाई बराबर हो जाए बी सी की, ये बराबर है। एंगल ए डी सी 70, दिस एंगल एंगल ए डी सी आपका 70 डिग्री का है, ठीक है। एंगल बी ए डी 95, एंगल बी ए डी दिस एंगल इज 95, दिस छोटू इज 95। आपसे एंगल डी सी ई, तो सी है ये सी पॉइंट, सी से ई को मिलाइए, तो ये जो एंगल है डी सी ई, इसके बारे में पूछा है एंगल डी सी ई कितना होगा, एंगल डी सी ई की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा, बहुत ही आसान सवाल। अगर एंगल 95 तो ये एंगल कितने का होगा, एंगल डी सी बी, एंगल सी कितने का होगा, 85 डिग्री का होगा, कितने का होगा 85, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने सामने के कोण का फिर कितना 180, 95 85, क्लियर है। अगर ये 70 डिग्री का है तो देखो एबीसीडी साइक्लिक है 70, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये भी 70 होगा कि नहीं, साइक्लिक क्वाड्रेटर का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, 70 ये 70। नाउ अगर हम ट्रायंगल बीसीई, त्रिभुज बीसीई में बात करें, तो हमने क्वेश्चन में दिया गया साइड बीसी का लो बीई के बराबर, दैट मींस आइसोसेलस, अगर आइसोसेलस ये 70 तो बाकी बचा कुछ 110, तो दोनों एंगल हाफ हाफ कितने के 55 55 के हो गए, 55 55। नाउ दिस इज 85 प्लस 55 कितना 140, कितना हो गया 140 डिग्री, बी ऑप्शन, कितना आएगा 140 डिग्री का, क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें, आगे बढ़ेंगे। नाउ वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान सवाल है। देखिए ध्यान से, यदि मैं ए से ई को मिला दूं, ए से ई को मिला दे, ये मिला दिया हमने, तो सर्कल के आर्क डीई द्वारा सेंटर पे एंगल 50 और सर्कल के उसी आर्क डीई द्वारा यहां पे एंगल 25 डिग्री हुआ कि नहीं, सर्कल के आर्क डीई द्वारा सेंटर पे एंगल 50 तो सर्कमफेरेंस पे एंगल 50। नाउ ये क्या है तुम्हारा एओबी, ओ क्या सर्कल का सेंटर, ए बी डायमीटर होगा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये एंगल कितना है 90, ये 90 है ये 25, तो ये एंगल एसीबी ये कितना होगा 65, भाई ट्रायंगल एसीई में ये एंगल 90 है तो ये 25 है, तो थर्ड एंगल 65 डिग्री का होगा, आंसर बी ऑप्शन, खत्म सवाल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेमी सर्कल जहां होगा वहां पे इस बात का यूज होगा ही होगा कि सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है। दूसरी बात, सीडीएस के पेपर में इस बार ये कह के सवाल आया कि एक सर्कल है, सेम डायग्राम था कि सर्कल की एक कॉर्ड खींची गई है डीई, जिसकी लंबाई सर्कल की कॉर्ड है डी, जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है, जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है, आपसे पूछा था कि ये एंगल एसीबी क्या है, बस इतना सवाल था कि कॉर्ड डीई की लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर है, आसान है अभी भी। यदि डीई की लंबाई रेडियस के बराबर है तो ओडी भी रेडियस, ओई भी रेडियस, ट्रायंगल ओईडी क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज जिसमें ये एंगल 60 डिग्री का होगा, अगर हम डी से ई को मिला दे तो सर्कल के आर्क डीई द्वारा सर्कमफेरेंस सेंटर पे एंगल 60, तो यहां पे सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना आएगा 30, अगर ये 90 है और ये तुम्हारा 30 है तो ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बात करता हूं, इतना सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर एंगल एपीसी बराबर 110, दिए गए चित्र में देखो सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ, कॉर्ड डीए, कॉर्ड बीसी को आगे बढ़ा गया क्यू पॉइंट तक, एंगल एपीसी यदि 110 है, यदि एंगल एपीसी 110 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, फिर 70 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। एंगल बी क्यू डी, एंगल बी क्यू डी ये एंगल कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का, एंगल बी क्यू डी ये कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। आपसे पूछा है एंगल एओसी, एंगल एओसी कितना होगा, करने के तरीके बहुत सारे हैं, समझना ध्यान से। अगर एंगल एओसी को मैंने 2 थीटा मान लिया कि एंगल एओसी आपका 2 थीटा है, एंगल एओसी को हमने 2 थीटा मान लिया, 2 थीटा हमने क्यों माना, ध्यान से समझना, ये एंगल 2 थीटा है, तो सर्कल के आर्क एसी द्वारा सेंटर पे 2 थीटा, तो सर्कमफेरेंस पे ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, थीटा थीटा हो जाएगा, हाफ हाफ
सिंपल सी बात। नाउ अगर ये एंगल 50 है, ये थीटा है, ट्राइंगल ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू, ये 50, ये थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल फिर कितने का हो जाएगा, 130 माइनस थीटा डिग्री का एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कितना 130 माइनस थीटा, त्रिभुज के तीनों कोणों के फल 180, 50 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। ट्राइंगल ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी को ध्यान से समझना, ये थीटा है और ये 70, तो थीटा प्लस 70 बराबर किसके आएगा, 130 माइनस थीटा के, तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा, 130 माइनस 70 यानी कि 60 डिग्री। यही पूछा था, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आंसर हो गया। क्लियर है भाई? अगर आपसे थीटा पूछा जाता यानी कि एंगल एडीसी पूछा जाता तो थीटा कितना हो जाता फिर आपका 30 डिग्री। थीटा कितना हो जाता आपका 30 डिग्री। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल बीपीसी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट एंगल बीपीसी। एंगल बीपीसी मतलब ये एंगल आपको निकालना है। देख सकते हैं कि सर्कल है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये एंगल 85 तो ये एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल 85 तो अपोजिट एंगल, फिर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 85। दिस एक्सटीरियर एंगल इज 85 डिग्री। कोई समस्या इसमें? नाउ अगर ट्रायंगल सी क्यू डी, त्रिभुज सी क्यू डी को देखेंगे, ये 85 ये 35, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 50 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा, 50। भाई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, 50। नाउ ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये 50 तो ये एंगल भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। अगर ट्रायंगल बीपीसी, त्रिभुज बीपीसी को ध्यान से देखो तो सवाल खत्म हो चुका है। 85 प्लस 50 135, तो ये एंगल कितने का बचा फिर, 45 डिग्री। क्लियर है भाई? बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी, ये 85 50 टोटल सम 135, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थ्योरम है, एक पेपर में कभी भी आ सकता है। In the given figure, find the sum of angle A and angle B, which is made by common tangent CD. Answer क्या है? 180. Answer क्या है? 180 degree. Clear है? मतलब दो सर्कल हैं और उनकी कॉमन टेंजेंट खींची गई है, इस तरीके से कॉमन टेंजेंट है ये CD, तो उस कॉमन टेंजेंट द्वारा ये CAD और ये CBD जो एंगल बने इनका सम पूछा है। मैंने हमेशा बोला टेंजेंट और कॉर्ड की बात होगी, अगर टेंजेंट और कॉर्ड की बात होगी तो हमेशा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगना है। यदि मैं ए से बी को मिला दूं, इस तरीके से ए से बी को मिला दिया, तो ये सर्कल की कॉर्ड सी बी, ये है टेंजेंट सी डी, तो अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा कि नहीं। अगर हम ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना होगा फिर, थीटा होगा। भाई टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल थीटा, तो अपोजिट सेगमेंट में ये एंगल भी, अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल भी थीटा बनेगा, तो ये एंगल ए ये कितना होगा, कंप्लीट अल्फा प्लस थीटा डिग्री का हो गया। अगर ट्रायंगल सीबीडी को ध्यान से देखें, ये अल्फा ये थीटा, तो एंगल सीबीडी क्या है, एंगल सीबीडी है 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। क्या है, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा, ये 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, सम कितना हो गया दोनों का, 180, और यही अपना आंसर हो गया। क्लियर? सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 25। ए बी सी डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, तो आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है ना, और ए बी क्या है इसका डायमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा डायमीटर ए बी, ठीक है। उसके बाद डीसी इज इट्स कॉर्ड, डीसी इज पैरेलल टू ए बी, तो यहां पे सर्कल के कॉर्ड है इस तरीके से, हो गया आपका सी डी, कि ये जो है आपकी कॉर्ड जो है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी की वैल्यू पूछे आपसे, एंगल बी ए सी 20, एंगल बी ए सी 20, तो एंगल बी ए सी 20 तो नहीं हो सकता, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये हो जाएगी आपकी कॉर्ड डीसी जो एबी के पैरेलल है, यहां पे एंगल बी ए सी 20 यानी कि ये एंगल आपका 20 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछे एंगल सी ओ डी कितना होगा, बहुत आसान। अगर ये 20 डिग्री है और लाइन ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, 20 डिग्री, ये भी कितना होगा, 20। नाउ ट्रायंगल ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए बी रेडियस, ओ सी बी रेडियस, ये 20, तो ये भी 20 होगा, 20 20 40, तो ये एंगल भी कितना, 40। क्लियर है भाई? और 20 और 20 40 और 40 80, तो ये एंगल कितना बचेगा फिर आपका, एंगल सीओडी कितना बचेगा आपका, 100 डिग्री। ये कितना होगा आपका, 100 डिग्री। एंगल सीओडी कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को समझना ध्यान से। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है, लाइन यूटीवी इज टेंजेंट टू सर्कल एट टी, एक लाइन यूटीवी है जो सर्कल को टी पॉइंट पे टच करती है। एंगल वी टी आर 52, कौन सा एंगल, एंगल वी टी आर, ये एंगल जो है ये आपका 52 है, ये कंप्लीट ये एंगल आपका 52 डिग्री का है, दिस एंगल इज 52, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल पी टी आर इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल सच दैट टी पी बराबर टी आर, साइड टी पी की वैल्यू टी आर के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहली बात तो पी आर और ये जो पॉइंट है ये पी आर, इसको मैं नाम देता हूं सपोज एस, पी आर एस टी क्या बने, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। एंगल एक्स और एंगल जेड का सम तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एक्स प्लस जेड तो 180 डिग्री हो गया प्लस वाई, आपको वाई डिग्री पता लगाना है, खत्म सवाल, ध्यान से समझना। अगर ये तुम्हारा एंगल 52 डिग्री दिया है, एंगल वी टी आर 52, तो सर्कल की टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल 52, तो एंगल एक्स ये एंगल भी कितने का होगा, 52 डिग्री का होगा।
ट्रायंगल पीटीआर आइसोसेलस ये 52, तो भाई ये एंगल भी 52 डिग्री का होगा। ट्रायंगल पीटीआर आइसोसेलस पीटी 52, तो ये एंगल भी 52। अगर ये 52 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा? 52 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 52 डिग्री का। अगर ये एंगल 52 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा? 52 का होगा। नाउ ये सर्कल का सेंटर, यह टेंजेंशियल पॉइंट और यह एंगल 90, तो ये एंगल वाई के फिर कितने का बचा? ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 है, ये 52 है, तो एंगल वाई कितना बचा? 38। 90 माइनस 52 38, ठीक है भाई, कितने का बचा? 38 डिग्री का। तो एंगल y की वैल्यू 38 डिग्री, तो टोटल सम कितना आ गया? 218 डिग्री। आंसर क्या है? 218 डिग्री, सी ऑप्शन। क्लियर? ये 52 और ये आपका 38, 218। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बढ़िया सवाल है। दो ये थ्योरम है, ध्यान से समझना इसको। मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा एडवांस तरीके से। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में वो सर्कल का सेंटर है। एंगल x प्लस एंगल y बटे एंगल z कितना होगा? देखते हैं आंसर कितना आ गया, 1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, दिखा सबको, और ये रही सर्कल की कॉर्ड QR, ये रही सर्कल की कॉर्ड QR, दिखा भाई। ये रहा सर्कल का सेंटर और कॉर्ड द्वारा सेंटर पे एंगल z, ये भी दिख रहा है सबको। QS और RT सर्कल की दो कॉर्ड है जिनको आगे बढ़ाने पे वो पॉइंट P पे मिलती है। QS और RT सर्कल की दो कॉर्ड जिनको आगे बढ़ाने पे P पॉइंट पे मिलते हैं। तो मैं बहुत कैसे यार, हम बहुत जिद्दी हैं, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, हम पी पॉइंट को सर्कल पर रोक देंगे। ये हमने इसको आगे बढ़ाया नहीं, हमने इसको सर्कल पर रोक दिया। ये रहा तुम्हारा पी पॉइंट, हमने आगे बढ़ाया नहीं, वहीं पर रोक दिया सर्कल पे। अरे कुछ पता थोड़ा इसको कहां तक आगे बढ़ा गया, क्यों नहीं बढ़ाया गया, मैंने इसको पी पॉइंट पर रोक दिया, मैंने बढ़ाया नहीं, जीरो बढ़ाया मैंने। तो यही पॉइंट पी हो जाएगा, यही पॉइंट एस हो जाएगा, यही पॉइंट टी हो जाएगा, यही पॉइंट पी है, यही पॉइंट एस है, यही पॉइंट टी है, आगे बढ़ाया नहीं, यहीं पर रोक दिया, बस एकदम स्टॉप। क्लियर है? नाउ अब ध्यान से समझना, यही पॉइंट पी है, यही पॉइंट एस है, यही पॉइंट टी है, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर आपका एक्स, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका एक्स। नाउ अब ध्यान से देखो, एस से आर को मिलाया है, टी से क्यू को मिलाया, उनके बीच में ये एंगल वाई। एस से किसको मिलाया हमने? आर को मिलाया है, टी से क्यू को मिलाया, तो ये एंगल वाई, यानी कि ये एंगल एक्स है और यही एंगल वाई है, दोनों बराबर है। देखो यहां पे देखो सेम पिक्चर, एस से आर को, टी से क्यू को, उनके बीच में छोटू एंगल वाई। एस से आर को, टी से क्यू को, उनके बीच में छोटू एंगल वाई, ये बन गया पिक्चर। अब अपनी मर्जी है, बिल्कुल अपनी मर्जी, कोई नहीं, क्योंकि थ्योरम है, एक्स वाई जेड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड, अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते। मैंने मान लिया ट्रायंगल पी का इक्विलेटरल है, अगर इक्विलेटरल है तो ये एंगल कितने का? 60 का। और ये तुम्हारा सर्कल का सेंटर, सर्कम सेंटर, तो ये एंगल डबल कितने का? 120 डिग्री का। क्लियर? आपसे पूछा x प्लस y बाई जेड, x 60, y 60 और z कितना? 120, 120 बटा 120, आंसर क्या आ गया? 1, ए ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक। चलिए ये तो क्या फर्स्ट, इसको मेथड से बनाओगे तो कैसे करोगे? सपोज ये एंगल जो आपका थीटा है और ये एंगल आपका थीटा है, तो सेंटर पे जो एंगल जेड है ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल वाई है, ये एंगल क्यू एम आर, ये एंगल वाई है, तो ये एंगल भी वाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब पी एस वाई टी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये है आपका पी एस, क्या है आपका एम टी, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये एंगल है एक्स डिग्री, ये एंगल है वाई डिग्री। तो दो दिखाएं यहां पे इंटीरियर एंगल, दो दिखाएं इंटीरियर, अब इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, और दो दिखाएं एक्सटीरियर थीटा थीटा, दो दिखाएं एक्सटीरियर। और मैंने आपको थ्योरम बताया कि एक्सटीरियर, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो इंटीरियर हो आमने सामने के, दो एक्सटीरियर हो आमने सामने के, तो इन जो एक्सटीरियर का सम होगा वो तुम्हारा इंटीरियर के बराबर होगा। एक्सटीरियर का सम इंटीरियर के सम के बराबर, 2 थीटा बराबर x + y, और 2 थीटा है क्या? z, यानी कि z बराबर x + y और x + y / z बराबर 1, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? x + y / z बराबर 1, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को मैं डायरेक्ट सीधा हवा में बताऊंगा, बेसिक्स आप खुद बनाओगे, समझना। यहां पे इस तरीके से कुछ कलाकारी की गई है कि एक सर्कल है, सर्कल की दो कॉर्ड है AD और BC, इनको आगे बढ़ाएगा ये पॉइंट तक, ये एंगल Z, ये एंगल X है, ये एंगल Y है। AD बराबर CB के बताया गया है, AD जो है CB के बराबर है। अच्छा, फाइंड X माइनस Y बाई जेड, X माइनस Y बाई जेड क्या है? चलिए, तो ये है सर्कल, दिखा सभी को सर्कल, एक ब्यूटीफुल सर्कल, और सर्कल के अंदर है ये कॉर्ड AB, ये दिख रही है जीवा, ये भी कॉर्ड AB, कॉर्ड AB, और ये है तुम्हारा सर्कल का सेंटर O। वैसे देखते इस कहां से पता लग गया मुझे, तो दो तुम्हें भी दिखना चाहिए। सर्कल के कॉर्ड ए बी द्वारा सेंटर पे ये एंगल है तुम्हारा जेड, दिखा जेड, सॉरी एक्स, कितना है तुम्हारा एक्स। चलिए, अब कॉर्ड ए डी को आगे बढ़ाया है, कॉर्ड बी सी को आगे बढ़ाया ई पॉइंट पे, हम है अनट आदमी, इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पे रुक देंगे, ये बढ़ा ही नहीं आगे, ये रहा और ये रहा और ये यहीं पे आके रुक गया, ये रहा ई पॉइंट, यही ई पॉइंट हो जाएगा, यही सिमट के आ जाएगा, यही डी पॉइंट है, यही सी पॉइंट है, आगे बढ़ाया नहीं है। अरे हमको कहां पता इसको कहां तक बढ़ाया है, क्या बढ़ाओ चम्मच बढ़ाओ, यहीं पे रुक दो। क्लियर? यही ई पॉइंट है, यही डी पॉइंट है, यही सी पॉइंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडी बराबर सीबी, तो ये जो एडी है ये सीबी के बराबर है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम ध्यान से देखो, तो ये एंगल कितने का होना चाहिए आपका? जेड डिग्री का। ये एंगल कितने का होना चाहिए? जेड डिग्री का, दिख रहा है ना आपका, ये एंगल जेड है, इसको सिमट के हम यहां ले आए। अच्छा, पॉइंट डी और पॉइंट सी द्वारा सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? वाई। डी और सी द्वारा सेंटर पे कितना बन रहा है? वाई। अब डी पॉइंट भी यही है, सी पॉइंट भी यही है, तो पॉइंट डी और सी चुप गया आपस में, तो सेंटर पे एंगल बनाएंगे नहीं, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो। वाई की वैल्यू क्या कर दी मैंने इस केस में? जीरो। डी और सी की वजह से चुप कर दिया, सेंटर पे एंगल बनाएंगे नहीं, वाई जीरो हो गया। अब मैंने क्या मान लिया अपनी मर्जी से कि ये ए और ए बी डी को इक्वल दिया, इसको भी इक्वल कर दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, ये एंगल 60 डिग्री का, तो ये तुम्हारा सर्कम सेंटर पे एंगल डबल 120 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? पूछा क्या है? x माइनस y बाई जेड, x 120 डिग्री, y 0 डिग्री, z पर
29, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से समझना। चलिए, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्र में ओ जो है आपके सर्कल का सेंटर है। ए बी इज द डायमीटर, ए बी व्यास हो गया। टेंजेंट पी क्यू टचेज द सर्कल एट डी, टेंजेंट पी क्यू सर्कल को डी पे टच करती है। एंगल बी डी क्यू 48, तो ये जो एंगल है भाई ये एंगल 48 का है, एंगल बी डी क्यू 48। तो आपसे पूछा है एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए एंड एंगल डी सी बी का रेशियो आपसे पूछा है। नाउ अगर एंगल 48 है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल 48, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी कितने का होगा, 48 डिग्री का। ये डायमीटर ए बी है और ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री का होगा, सेमी सर्कल में 90, ये 48, तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, 42 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 42, सिंपल सी बात। नाउ मुझे पता चलेगा कि एंगल डी बी ए तो कितना है आपका, 42 डिग्री, ये तो 42 डिग्री है। अच्छा, अब मुझे चाहिए एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी ये वाला भाई, एबीसीडी है क्या, साइक्लिक है ये, 48, तो ये कितना होना चाहिए आपका, 132। आपने सामने का कोण पर फ्लेक्स कर सी, 48 तो कितना, 132, तो एंगल डीसीबी कितना आ गया, 132 डिग्री। रेशियो ये किसे जाएगा आपका, 6, 6 7 42, 6 2 12, 6 2 12, आंसर कितना आ गया, 7/22, आंसर कितना आएगा, 7/22, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके दोस्तों, सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने सर्कल्स के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था